तो बहुत लोग सोचते कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करके ऐसा है वैसा है। मेरी सास ही नहीं, मेरी सास भी, मेरे देवर भी, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, पर पति मेरा ऐसा। पति तो दोस्तों अभी मैं काम कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई, तो थोड़ी सी बारिश में देखो पानी, यहाँ देखो पानी भर गया ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मैं एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत दिन के 1 बजे से हो रही है, क्योंकि सुबह मेरा ऑफिस था तो बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो मैं ऑफिस के कामों में लगा रहा। ऊपर से फिर मम्मी लोग, भाई लोग ये पुष्पा को लेके हॉस्पिटल गए थे, पुष्पा की तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या होता है कि अब यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अब उनको आदत नहीं है, उधर इतनी गर्मी पड़ती नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई ना गाँव से या बाहर से कहीं से आता है जहाँ ठंडा इलाका, और चंडीगढ़ आता है ना, तो बहुत बीमार पड़ जाता है फर्स्ट गर्मी में। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे कज़न था उसके साथ भी ऐसे हुआ था। तो गर्मी, यहाँ की गर्मी पहचाननी बड़ी मुश्किल होती है। थोड़ा पानी का भी है, तो अभी पीहू की तबीयत स्टेबल नहीं है, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो फिर वहाँ से आए वो, तभी रेस्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास दवाई दवाई ले आए, तो होप्स अभी सब ठीक हो जाए। तो घर में सब काम आजकल ना मम्मी को ही करना पड़ रहा है, तो मम्मी लगी हुई है भैया। हम भी थोड़ा हेल्प करा देते हैं, भाई हेल्प करवा देता है, मैं हेल्प करा देता हूँ, मैं खाना खुना बनाने में कुछ काम होता है, वो सास सफाई में जब उसकी होती है, उसकी भी नाइट ड्यूटी होती है 2:30-3 बजे तक, फिर वो अभी आराम कर रहा होता है। तो ऐसे अभी थोड़ा आजकल टाइम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। बाकी आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, अच्छी लगती हैं, आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं रोज़, और रेगुलर जवाब भी देता हूँ, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ रहता हूँ, तो नया गाँव में रहता हूँ। नया गाँव कहाँ पर रहता हूँ? नया गाँव आदर्श नगर में रहते हैं हम, तो बस ऐसा कुछ है। तो आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें आप लोग। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है आयुष रावत, तो उन्होंने कहा था मेरा नाम ज़रूर ले लेना वीडियो में। तो कैसे हो आप? तो देखो मम्मी देखो लगी हुई है, देखो दोस्तों मम्मी लगी हुई है साफ सफाई करने में। मम्मी ना पूरा सफाई सफाई कर दिया, अभी हॉस्पिटल से लेके आए थे बीवी को। ओ मम्मी थके तो नहीं? मम्मी बहुत थक जाती है काम को, 1 बजे हो रही है मम्मी सब, क्योंकि सुबह हॉस्पिटल गए हुए थे। तो ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला फिर? बोला करो। अच्छा हाँ हाँ तो है। बाकी बाकी मम्मी साफ कर रही, देखो पूरा घर साफ सफाई कर दी। बाकी देखो हमने ना सुबह से नाश्ता भी नहीं किया आज। एक्चुअली क्या था कि ये लोग सब चले गए थे हॉस्पिटल, मेरा काम था, फिर नाश्ता करने का टाइम ही नहीं लगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब टाइम तो हो गया है, फिर लंच ही करेंगे सीधा। तो बाकी मम्मी और मम्मी आपने कर दिया नाश्ता? ओ मम्मी नाश्ता कर दिया था आप लोगों ने? नाश्ता कर दिया? नाश्ता कुछ नहीं किया मैंने, आप भी नहीं भी किया? अरे हाँ मैं चावल बना देता हूँ। तो देखो मम्मी बहुत करती है, मेरी मम्मी ना क्या करे, अपने बच्चों के लिए हर माँ करती है, माँ का प्यार तो कहीं कहते ना कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग। तो चलो मैं चावल रख देता हूँ। तो सुबह हमने बनाए थे छोले, ये देखो हमने बनाए हैं चिट्टे छोले। तो अब ये तो बन रखे, तो इसके साथ चावल चढ़ा देता हूँ मैं जल्दी से। चावल कहाँ रखे? यहाँ रखे होंगे चावल। तो चलो जी चावल चढ़ा दिए, और पुष्पा के लिए थोड़ा, पीहू के लिए सेब काटते हैं, एक खाना तो खा नहीं रहे हैं तो सेब खा लेते हैं, सेब देते हैं उनको। तो बहुत लोग सोचते कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करके ऐसा है वैसा है, बट देखो दोस्तों पता है शादी किस लिए ज़रूरी, कहाँ पे पता लगता है? जब इंसान के ऊपर दुख आता है ना, तो ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा सोचता है कि हाँ यहाँ पे किसी की ज़रूरत थी मुझे। खैर घर वाले तो होते ही है ना, लेकिन अपना जो पार्टनर होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सुख के समय तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब इंसान पे दुख आता है ना, तो अपना पार्टनर ही सबसे ज़रूरी होता है। तो इसीलिए शादी भी ज़रूरी है भैया, तो हर चीज़ देख लो, और पार्टनर ही आपका ख्याल रखता है। मतलब ऐसा कई चीज़ें आप शेयर नहीं कर पाते हो पेरेंट्स के साथ, लेकिन पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल होते हो, तो हर चीज़ सुख दुख में वही साथी होता है, तो इसलिए पार्टनर भी ज़रूरी होता है भैया। कई लोग होते हैं शादी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, पहले मैं भी सोचता था यार इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है क्या करनी है, लेकिन हाँ शादी करनी चाहिए और टाइम से करनी चाहिए भैया। तो ये काट लिया मैंने पीहू के लिए सेब, और साथ में ये है नमक, और नमक देखो इतना बढ़िया नमक है ना ये है, इससे नमक अजवैन वाला नमक पीसा का, बड़ा टेस्टी होता है ये। मम्मी ने देखो इसमें रख रखा है पीस के, तो हम इसको खाते हैं जब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, चाट मसाले से बढ़िया होता है ये, पीस के रख रखा है। तो चलो दे के आते हैं पीहू को। तो यहाँ पे लेते हुए ये लो,
क्यों अभी कब लाना था फिर? खा लो, क्या हो गया थोड़ा बहुत? दवाई खाई है। दवाई खाई, क्या कहते हैं डॉक्टर? टेस्ट नहीं खाया। अच्छा, हाँ करवा लेंगे टेस्ट। नमक क्यों डाल दिया? थोड़ा सा ही तो है, नमक बढ़िया होता है। अभी जब उस दिन नमक नहीं था, कई तरह से नमक, अब नमक ज़्यादा डाल दे तो जितना घूमे फिरे सब निकल गया मेरा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ, फिर घूमेंगे फिरेंगे। कितनी जगह घूम घूम के ना, हाँ तो अरे यार होता ना गर्मी, ना यहाँ की गर्मी जल्दी नहीं पचा पाता लोग ना, फर्स्ट टाइम पे तो होता ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर से घूम लेंगे अब, जस सी ठीक हो जाओगे। हिमाचल, हिमाचल घूमना। चलो एक्चुअली हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था चंडीगढ़ जा रहे हैं तो हिमाचल भी एक्सप्लोर करेंगे जिस दिन छुट्टी होगी, क्योंकि यहाँ से हिमाचल ना काफ़ी नज़दीक है, तो हमने सोचा था कि जिस दिन छुट्टी छुट्टी होती है उस दिन हम हिमाचल एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन और मैं कमेंट देख रही थी ना, सब बोले तुम्हारी सास कितनी अच्छी है। मेरी सास ही नहीं, मेरी सास भी, मेरे देवर भी, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, पति और मेरा पति। हाँ देखो दोस्तों, ऐसे होता है, कहते हैं कि अपना तो कहते हैं अपने थाली में ना लड्डू छोटा ही लगता है। लड्डू दूसरे की थाली में ही बड़ा लगता है ना। नहीं ये पैंपर ज्यादा, इनको ज्यादा पैंपरिंग मिली है ना बचपन से। देखो इतनी सेवा करने के बाद भी ऐसा सुनाई दे रहा है। दुख हो रहा दोस्तों बहुत। ऐसा नहीं है, मतलब सभी अच्छे हैं, सब मेरे को बीमार होते हैं तो मतलब फैमिली में सभी ऐसे हैं यार कि जब कोई बीमार होता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और यही होता है फैमिली में। जब अपने मायके में भी थी तो मैं बीमार होती थी तो मैं तो मम्मी से पैर भी दबाती थी, सर भी मालिश करवाती थी। मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मेरी मम्मी कह भी रही थी फोन में, तू बीमार पड़ती तो अलग बीमार पड़ती है मतलब दुनिया से, क्योंकि मैं बहुत। एक दिन मैं उस दिन बीमार था, मेरे को ऐसे बोले थे जमा सहन शक्ति नहीं है, ये है, अब खुद हो गया तो पता लग रहा है इनको क्या होता है क्या नहीं होता है, शरीर एकदम खत्म हो जाता है। नहीं फिर मैंने तो अपने पैर दबाए, तो मैंने नहीं दबाए गया तो बोलती हूँ ना थोड़ी देर सुनो, क्या कहते हैं लाइट बंद कर दो, दो घंटे लगा दे फिर वो खुद लाइट बंद करनी पड़ती है, ऐसे इंसान है ये करते हैं। देखो देखो दोस्तों, ऐसे होते हैं बीवियां, जितना मर्जी बीवियों के लिए करो, बोलते हैं तुमने किया ही क्या है, किस किस की बीवी ऐसी है तो बताओ जरा कमेंट करके। हाँ। तो देखो दोस्तों, ये मेरी माँ का कुछ नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे ना दिखाइयो, ये मैं इसके बीज वगैरह काटा था, ये भी खा रही है, ये भी खा रही है, बताओ तो सेब खा लो भाई, सेब नहीं है। मम्मी भी ऐसी करती है, मम्मी बोलती इतना तो तुम गिरा दे रहे हो, और प्याज के भी बिल्कुल पतले छिलके निकालो। तो ये सेब खा लो, सेब नहीं पड़े वहाँ, वो भी खाएंगे, ये क्यों वेस्ट करने, इससे पैसे नहीं लगे। हे भगवान, मम्मी उसको मम्मी आपके पेट में उग जाएगा। जैसे जैसे ना मेरी नानी है ना, मेरी नानी क्या करती है, मुर्गी नहीं मुर्गे खाते ना तो उसकी हड्डी भी चबा जाती है, लाली बोलती है इसी में तो जाल है, करेगी क्यों बेच रहे हो, तभी तो कह रही हूं मम्मी कैल्शियम होती है हड्डी में। हाँ, अच्छा देख रहे हो, जैसी माँ वैसी बेटी। तो बाहर का मौसम बारिश वाला हो गया, देखो बादल लग गए चारों तरफ, बारिश हो जाए तो ठीक है, बढ़िया ठंडा हो जाएगा मौसम। और मैं तो लंच की तैयारी हो रही है, मम्मी ले आने लगी खाना, और मम्मी ने अपने लिए देखो क्या बनाया दोस्तों, मूंग की दाल, अभी भी तड़का लगा है इसमें, वाह वाह वाह, मम्मी ने बनाई है अपने लिए मूंग की दाल, क्योंकि मम्मी को होती गैस है ना, छोले गैस करते हैं, हाँ अपने लिए छोले हैं। चलो आओ, जिस हाथ में घी का तड़का लगाया है मम्मी ने, देखो चलो 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 दोस्तों करते हैं लंच, और मम्मी मैं ही हैं, बाकी जितनी तो सो रखा है उसके, जब उठेगा तब खाएगा वो। बाकी पीहू ने अभी थोड़ी देर पहले रोटी खाई थी तो कह रहे अभी मन नहीं कर रहा है, तो कल मैंने टूटी थाली में खाया था, मुझे पता नहीं था कि टूटी थाली में नहीं खाते, तो हमने वो थाली फेंक दी है, और मम्मी ने आज मुझे ये वाली थाली दी है देखो। तो किसी सब्सक्राइबर का हमारे कमेंट आया था कि टूटी थाली में नहीं खाते, तो हमने अब आज से बंद कर दिया, उसको फेंक दिया है अब ये वाली थाली। चलो करते हैं मम्मी में ये लंच, थालियाँ बड़ी सही होती है दोस्तों, देखो लंगर वाली थाली, हम इसका नाम ही लंगर वाली थाली रखते हैं। तो मम्मी रख रही है यहाँ पे मिल ले खाना, तो चलो दोस्तों बढ़िया से छोले, और ये उड़ गया भाई हमारे, काम वाली उड़ गई, काम वाली उड़ गई हमारी, खाना खा ले भाई, खाना बन गया, खाना खा ले, नहीं खा ले भाई तू, अब तूने काम भी तो करना है, काम तो वैसे हो गया सारा, तो चलो दोस्तों करें लंच। तो दोस्तों अभी मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई है, झमाझम जिसे बोलते हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ जा रही है मम्मी, तो देखो दोस्तों कितनी तेज बारिश हुई, झमाझ छत में ले चलता हूँ आपको छत में। दोस्तों ये है हमारी छत, ओ हो,
झमाझम हो रही है भैया बारिश। वाह रे मजा आ रहा है भाई बारिश को देख के। वाह 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 देखो फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं इसमें। मम्मी पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पे, भाई गीला हो जाओ ना। अच्छा प्लास्टिक रखने के नहीं हुए, प्लास्टिक रखने के लिए गई है। ओ वाह भाई वाह। तो थोड़ी सी बारिश में देखो पानी, यहाँ देखो पानी भर गया ना, उधर पूरा भर गया ना इतनी सी बारिश। बल्कि यहाँ से निकालने के लिए है, यहाँ से जा रहा देखो पानी। ये देखो ये कितना भर गया, बाप रे बड़ी तेज खतरनाक हो रही भैया बारिश। मम्मी छाता लेके आ गई छत पर। बैंगन मम्मी वो देखो दोस्तों बैंगन लगा वहाँ पे, एक कीड़े लग गए ना तो खाद नहीं डाली होगी टाइम से। और वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं देखो, बारिश में नहा रहे हैं। वाह दोस्तों बारिश बंद ही नहीं हो रही है तो हमने बाहर मंजा लगा लिया है। यहाँ पे आ गए हम मंजा लगा के और यहाँ पे बारिश देखो किसके लिए, सबके लिए नहीं, बारिश हो रही है देखो लगातार लगी हुई है, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। ऐसे में वो जितने चला गया उसकी कैब आ गई थी गेट तक ही आज तो चले गए वो। कैसा बारिश में अच्छा है ना बाहर, हाँ पानी भरा था गलियों में, अब तो ठीक हो गया ना, बढ़िया लग रहा है ठंडा ठंडा मौसम। हाँ छोटे जो हल्की हल्की वाली। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट दुकान तक, तो कुछ सामान ले रहा हूँ। और वहाँ क्या कर रहे हो वहाँ खड़े हो गए, किस चीज़ की? अच्छा कपड़े सुखाने वाली, ठीक है। बार बारिश देखो अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तुम क्यों आगे बाहर? और मेरी मम्मी तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हो घूम के, क्या लेके आ रहे हो? टमाटर लेने गए थे तो डैडी से मंगवा रहे थे, डैडी आ तो रहे थे। तो मेरी मम्मी को बस सैर तो करना है शाम को, पानी कीचड़ हो रहा है। तो दोस्तों अभी ना मेरा चिप्स खाने का मन हो रहा है, तो देखो चिप्स देखो कौन से लेके आए हो। ये मेरी इच्छा ने भेजे हैं, इधर सास ने भेजे, देखो ये हल्द्वानी से सब और अलग अलग शेप में भेजे हैं अलग अलग। ये देखो ये गोल वाले हैं और ये सब ये गोल हैं, गोली वाले भेजे हैं क्या, अलग अलग शेप आते हैं इनके। अच्छा चलो ये वाले बढ़िया हैं, इनको चलते हैं, एक पैकेट ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों ये देखो तल दिए मैंने चिप्स और मम्मी यहाँ पे काट रही सब्जी, आज बन रही भिंडी हमारी, ये फर्स्ट क्लास। आओ भाई चाय बना लो अपने लिए, है ना पुष्पा नहीं खाना, चलो पूछता हूँ मैं। तो दोस्तों हो गया अपना डिनर टाइम, तो डिनर में ये देखो दोस्तों अंडे की भुर्जी और दिन के छोले पड़े, ये तो अंडे की भुर्जी खा रहे हैं है ना। बाकी डैडी और नीचे बैठे हुए हैं, ये भी छोले खा रहे दिन के, हाँ वही छोले। और अभी हम भिंडी काट रहे लेकिन सबका प्लान कैंसिल हो गया, मैंने बोला मैंने भिंडी नहीं खानी, पीयू ने बोला नहीं खानी, तो मम्मी उन्होंने कहा दाल बची है छोले बचे थोड़े अंडे बना देते भुर्जी, बाकी भिंडी सुबह ही बनाएंगे। तो अपना डिनर वगैरह हो गया, अब सोते हैं और कल है सैटरडे, कल मेरी छुट्टी है तो देखते हैं कल क्या करते हैं, देखते हैं कल पता लगेगा। अभी फ़िलहाल फर्स्ट क्लास सोते हैं यार। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जय देवभूमि जय भारत जय उत्तराखंड, बाय।